जय हिंद साथियों, मैं चंदू जैन अनअकैडमी पर एक दुखद खबर के साथ आज आपके बीच में हूं। खेल प्रेमियों के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवासियों के लिए दुखद खबर यह है कि फ्लाइंग सिख उपनाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह आज हमारे बीच में नहीं रहे। 20 नवंबर 1930 को तत्कालीन पाकिस्तान के गोविंदपुर में इनका जन्म हुआ था और आज 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में ये हमें छोड़कर चले गए। तत्कालीन भारत के महान सर्वश्रेष्ठ एथलेटिकों में से एक थे मिल्खा सिंह, जिन्हें 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते, 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता और अपनी छाप पूरी दुनिया को दिखाई। 1959 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 1962 के एशियाई खेलों में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मिल्खा सिंह पंजाब सरकार के अंतर्गत खेल निदेशक के पद पर भी रहे। इन्होंने रोम में आयोजित 1960 के ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो जापान में आयोजित 1964 के ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने अपनी आत्मकथा अपनी प्रसिद्ध किताब द रेस ऑफ माय लाइफ में लिखी है। मिल्खा सिंह को अनअकैडमी ही नहीं अभी तो आज पूरा भारत याद कर रहा है, पूरा विश्व याद कर रहा है। इसी आज शब्द नहीं है मिल्खा सिंह जी के बारे में कुछ बोलने के लिए, क्योंकि इनका योगदान भारत ने कभी भुलाया नहीं जा सकता और आगामी युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी होगी मिल्खा सिंह जी से कि विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार समय को अपने अनुकूल कर हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अंतिम समय में मिल्खा सिंह जी को संपूर्ण अनअकैडमी परिवार की तरफ से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा अमर रहे, अजर रहे, अविनाशी रहे। और शब्द नहीं है, इसके साथ मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।